भर में मोबाइल सर्विस बंद है। मोबाइल सर्विस बंद होने से शहरियों को अपना पोलिंग स्टेशन तलाश करने में मुश्किलात का सामना है और एक दूसरे से राबते में भी दुश्वारी का सामना है। पिशावर, कोयटा, लाहौर और कराची में भी मोबाइल सिग्नल बंद हैं। इलेक्शन कमीशन और पीटीए ने इलेक्शन पर मोबाइल सर्विस बंद ना करने का ऐलान किया था। इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू होने से पहले ही मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने से वोटर्स को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन ढूंढने में दुश्वारी का सामना है, जबकि तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नजर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को आरजी तौर पर मुअत्तल किया गया है। हालिया दहशतगर्दी के वाकियात में कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिसकी वजह से सर्विसेज बंद करना नागुजीर था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंटरनेट चले या बंद हो जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिक्योरिटी और दीगर वजूहात पर बाज जगह नतीजे में ताखीर हो सकती है, मगर रद्दोबदल नहीं हो सकती। हुकाम का कहना था कि मुल्क भर से आरओ की लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रिजाइडिंग अफसर मोबाइल फोन पर ईएमएस इस्तेमाल करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 बनने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर चिस्पा करके उसकी तस्वीर खींचकर आरओ को भेजेंगे। हुकाम का कहना था कि वो तस्वीर मोबाइल के अंदर लॉक होगी, जिस पर टाइम और लोकेशन होगी। इंटरनेट ना हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 जाती हैसियत में आरओ ऑफिस जमा करवाएंगे।